गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? हम आपको फाइन स्टूडेंट, इन शॉर्ट स्टोरी बुक आई हैव टॉट टू लेसन ऑलरेडी। टुडे इट इज थर्ड लेसन। थर्ड लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज द लॉस्ट चाइल्ड। The lost child, written by Mulkraj Anand. The lost child means खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर में लेखक जो है, राइटर, ठीक बच्चे की मनोदशा के बारे में बताता है कि किस तरीके से एक नियरली 8 से 10 साल का बच्चा था, 8 to 10 year old, that child was एंड उसकी जो मनोस्थिति है कि एक बच्चे के लिए माता पिता का कितना इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, कितनी की दुनिया की अट्रैक्टिव चीजें उसके पास हो, और अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो वो सारी चीजें एक तरीके से बेकार है। उसमें राइटर एक बच्चे की मनोस्थिति के बारे में बताता है कि किस तरीके से जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे और वो बहुत सारी चीजों की डिमांड उनसे करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी जो डिमांड थी, उसकी जो डिजायर थी, किसी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते, बट स्टिल ही वाज हेजिटेंट, फिर भी उनके साथ रहकर के वो खुश था। और बाद में वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, तो जो चीजें स्टार्टिंग में उसे उसने डिमांड, उसने अपनी डिजायर अपने पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस की थी, और वो सारी डिजायर उसकी अनफुलफिल थी, यानी पूर्ण नहीं की गई थी, लेकिन बाद में वो सारी चीजें उसे दी जाती हैं, बट उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं थे। पेरेंट्स ना होने की स्थिति में वो सारी चीजें उसके लिए बेकार थे। तो राइटर ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बच्चे की जो मेंटेलिटी है उसको प्रदर्शित किया, उसकी मनोदशा को बताया कि किस तरीके से एक छोटे बच्चे के लिए उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसके माता पिता। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए चाइल्ड सीक्स हिज पेरेंट्स इन हिज इन द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनका कितना महत्व है, ये इस चैप्टर में राइटर ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। पर यही पेरेंट्स जो हैं किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई बच्चा अपमान है, यानी अनाथ, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, तो वो बच्चा जो है अपने आप को इस वर्ल्ड में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता,
और उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, भले ही उसकी जो बाहर की चीजें हैं, जो उसकी डिजायर है वो भले ही पूर्ण ना हो, लेकिन उसके लिए उसके पेरेंट्स बहुत जरूरी है। तो डियर, इस चैप्टर से राइटर ने बच्चे की मनोस्थिति के बारे में आपको, हम लोगों को बताया। अब मैं इस स्टोरी को आप डिटेल में पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू ऑल आर हैविंग बुक्स, सभी के पास टेक्स्ट बुक है अपनी। उस टेक्स्ट बुक में आप स्टोरी का पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखें। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द बिटवीन स्टेट्स ऑफ नैरो वे। अलेज विमल अ गेली क्लर हुमैनिटी ठीक है अपने स्वाम ऑफ ब्राइट कलर रैबिट इश्यूइंग फ्रॉम देयर पास। इसमें एक बच्चा है जो नियरली 8 to 10 ईयर ओल्ड था, और मैं आपको बता दूं कि भारत में हर समय कोई सर्विसी जगह हर समय फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहे। सीजन ऑफ स्प्रिंग सीजन था, और यानी बसंत ऋतु का समय था, और उस समय यूं तो हमारी कंट्री में हर सीजन में यहाँ वहाँ हर जगह फेयर लगते रहते, और स्प्रिंग सीजन यानी जो स्प्रिंग सीजन है वो सभी सीजन का राजा है तरीके से, सबसे स्वाभाविक ऋतु, सबसे अच्छी ऋतु यही मानी जाती है। तो इसमें पास में ये कहीं फेयर लगा हुआ है स्प्रिंग सीजन में, यानी फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का फेस्टिवल चल रहा था, त्योहार चल रहा था, और पास के एरिया में ग्लेशियर लगा हुआ था। इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द बिंटी शेड्स ऑफ नैरो लेंस। बिंटी शेड्स यानी जो बिंटी स्प्रिंग के टाइम में ठंड होती है, तो बिंटी शेड्स ऑफ नैरो लेंस यानी जो छोटे छोटे रास्ते थे वो ठंड, यानी उस समय ठंड का मौसम था, तो यानी ठंड से पूर्ण जो छोटे रास्ते अले मार का गेली क्लर, यानी जो रास्ते थे उनमें से खुशी पूर्ण चेहरे, यानी और एक बहुत खुश दिखता हुआ बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले की भी जा रहा, यानी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब बहुत सारे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ उस मेले का आनंद लेने के लिए जा रहे। ठीक है, ये सवाल ऑफ राइट कलर, वो भीड़ उन लोगों की इतनी अधिक थी। ऐसे सवाल सर का ग्रुप ऑफ ब्राइट कलर रैबिट, जैसे कि जो कलर ऑफ रैबिट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इसमें फ्रॉम ए वॉलेट, जैसे कि कलर ऑफ रैबिट जो है अपने वॉलेट से अपने यानी जो उनके रहने का स्थान होता है अपने घरों से निकल रहे हो, जस्ट इस सेम की वैसे ही लोगों की भीड़ रैबिट के समान देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग जब निकल रहे थे जैसे रैबिट होता है, तो उसी तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, और खुशनुमा चेहरों के साथ वो छोटे छोटे रास्तों से इधर उधर यानी जो रास्ते थे गांव से आ रहे थे उनसे निकल करके आ रहे थे। They entered the clotted sea of
of sunshine. They entered means they came in the way. It ऐसे रास्ते आए. Flooded sea of sparkling silver sunshine. यानी जो चांदी के समान जो सूर्य की धूप थी. Outside the city gates and straight towards the fair. यानी लोगों की भीड़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि सी में यानी समुद्र में बाढ़ सी जा रही थी. यानी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा जा रही स्पार्किंग सिल्वर चमकती हुई सूर्य की धूप में. द सिटी गेट्स यानी शहर का जो सिटी गेट्स यानी शहर के जो गेट्स थे एंड स्ट्रेट टुवर्ड्स द जो मेले की तरफ जा रहे थे. बहुत सारे रास्ते थे जो मेले की तरफ जा रहे थे. उनमें बहुत सारे लोग उन रास्तों से होकर के पास हो गए. सब वॉक सब रोड ऑन हॉर्सेस अदर साइड बी कैरिड इन द बैम्बो एंड गुड कार. यानी जो लोगों की भीड़ थी जो फेयर के लिए जा रहे थे मेले के लिए जा रहे थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर सवार कुछ बैलगाड़ी पर सवार कुछ सब वॉक और उनमें से कुछ जो थे वो पैदल जा रहे थे ऑन फुट मूव कर रहे थे. बी कैरिड इन बंबू एंड गुलाब कार्ड और कुछ बंबू से बनी की जो गुलाब कार्ड थी या बैलगाड़ी थी उस पर जा रहे थे. वन लिटिल बॉय वॉच बिटवीन द पेरेंट्स लेग्स इन द क्राउड ऑफ द पीपल देयर वॉच अ स्मॉल चाइल्ड नियरली 10 ईयर ओल्ड. ही वॉज ऑल्सो गोइंग विद हिज पेरेंट्स. यानी उन्हीं में उस भीड़ में 8 से 10 साल का बच्चा भी था जो अपने पेरेंट्स के साथ फिर के लिए जा सकता. Between his parents' legs, brimming over with life and laughter. One little boy, छोटा सा लड़का, between his parents' legs, अपने parents के पैरों के बीच में, brimming over with, means his face was full of happiness. Brimming over का मतलब होता है full of, यानी उसका जो बच्चे का जो मूड था यानी बच्चा जो था वो खुशी से पूर्ण था बहुत ज्यादा खुश खुशी से लबरेज लाइफ एंड लाफ्टर और हंसता हुआ. विद लाइफ एंड लाफ्टर यानी जीवन की जो खुशी है उस खुशी से वो लबरेज था खुशी से पूर्ण था. द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग और जो जॉयस यानी प्लीजेंट यानी खुशनुमा जो सुबह थी या एक ऐसी सुबह जो जॉयस से प्लीजर से पूर्ण थी. गेव ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स यानी एक तरीके से शुभकामनाएं उसे दे रहे एंड अन असेंड इनविटेशन और कम अवे फील्स ऐसा लग रहा था कि वो खुशनुमा सुबह सभी को आने के लिए इनविटेशन दे रही हो. अन असर्टेन बिना किसी को हेजिटेशन करते हुए बिना किसी शर्त के सभी को अपनी ओर जो फील से होते आने के लिए इनविटेशन दे रही फुल ऑफ लवर्स एंड सॉन्ग यानी वो फील उन फील्स के उन खेतों में जो फ्लावर्स से पूर्ण थे यानी बहुत सारे फ्लावर्स थे एंड सॉन्ग और गीतों से पूर्ण थे. मीन्स वेयर द पीपल आर पासिंग फ्रॉम डिफरेंट वे यानी जो लोग डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से आ रहे थे सम बस सिंगिंग उनमें से कुछ गा रहे थे. दैट्स व्हाई द पास पास बोला सॉन्ग्स एंड द फील वाज फुल ऑफ फ्लावर्स यानी जो पास का ही जो एरिया था उसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स थे. नाउ स्टूडेंट यू हैव सी पैराग्राफ नंबर सेकंड.
कम चाइल्ड कम कार इज पेरेंट एज ही लैग बिहाइंड. कम चाइल्ड कम यानी वेन द चाइल्ड वाज मूविंग इन द वे देयर वर लॉट मेनी थिंग्स द थिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल. यानी जो चीजें थी नेचुरल चीजें वो बहुत ही सुंदर थी और उन सुंदर चीजों को देख करके जो बॉय था यानी जो लड़का था वो उन चीजों से आकर्षित होकर के उनको देखने के लिए वो रास्ते में चलते चलते रुक जाता था. वही मूविंग ऑन द वे ऑल ऑफ सडन ही स्टॉप टू सी द थिंग्स. सो दैट्स व्हाई दिस द चाइल्ड स्टॉप देयर. व्हेन द चाइल्ड स्टॉप देयर द सेम टाइम हिज पेरेंट्स साउंडेड कॉल. तो उसी समय उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज दी. क्या कहा? कम चाइल्ड कम कि बच्चे आओ आओ हमारे साथ. ऐसी गैप है क्योंकि वो पीछे छूट गया था. पीछे क्यों छूट गया था? बिकॉज ही वाज टेकिंग द प्लीजर ऑफ नेचुरल ब्यूटी. क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी आसपास बिखरी हुई थी वो उसका आनंद ले रहा था. सीन द थिंग उन चीजों को ध्यान से देखने के लिए बच्चा जगह जगह रुक जाता है. स्पॉट टू स्पॉट अरेस्टेड बाय द प्राइस इन द सॉफ्ट दैट लाइट इन द वे. व्हेन द वायर आर मूविंग इन द वे देयर वाज अ टॉयस. वहीं पर जब वो मूव कर रहा था बच्चा तो रास्ते में एक टॉय शॉप थी, एक खिलौनों की दुकान. तो खिलौनों की दुकान को देख करके टू सी द टॉय ऑफ द शॉप द बॉय स्टॉप देयर टू सी देम एंड ही वांटेड टू टेक और टू परचेज देम. सो ही स्टॉप देयर. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. When his parents called him, he began to run towards his parents. यानी जैसे ही उसके parents ने उसको आवाज दी, बच्चा बिना कोई देर के हुए भागता हुआ उनके पास आ गया. His feet obedient to their call. यानी as his parents called him without any delay. जैसे उसके माँ बाप उसे या उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते थे तो उसके पैर तुरंत ही यानी ही बिगिन टू रन वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ना शुरू कर देता. ही वाज इन लैश पर ओबीडिएंट ऑफ हिज पेरेंट्स कॉल. यानी उसके जो पैर थे नीस ही वाज हिमसेल्फ वेरी ओबीडिएंट एज ही वाज कॉल्ड विद हिज पेरेंट्स. The same time he began to run towards his parents. He hurried towards the parents. His eyes still lingering on the street place. He came running to his parents while his eyes but still or till then steered those toys. यानी उसकी जो आंखें थी वो उन्हीं toys पर उन्हीं खिलौनों पर लगी हुई थी जबकि वो वहां से आवाज के साथ चला आता था. यानी जो गुजरते हुए रेस्टी का मतलब तो पीछे छूटती हुई चीजें. यानी when he began to run the things but back in the hand तो चीजें जो थी पीछे छूट जाती थी लेकिन बच्चा आगे बढ़ता हुआ चला आता था और उसकी आंखों की जो दृष्टि थी वो उन्हीं चीजों पर लगी रहती. As she came to where they had stopped, यानी जैसे ही वो वहां
वेटिंग, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। टू वॉक फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। ही ऑलरेडी न्यू दैट हिज डिजायर विल बी डिनाइड। वो पहले से जानता था कि उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगी, उसे मना कर दिया जाएगा। बट ही कुडंट कंट्रोल हिज डिजायर, लेकिन वो अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसने इवन दो ही वैल्यू दैट ओल्ड स्टेयर ऑफ इंडिया इन देयर आईज, यानी वो ऑलरेडी जानता था कि वही पुराना सा उनका एक स्टेटमेंट होगा कि दे कांट परचेज द टॉयज फॉर हिम, कि वो उसके लिए खिलौने या कोई भी चीज नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। वो इन चीजों को पहले से जानता था बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो अपनी डिजायर पर काबू नहीं पा सका और उसने अपनी डिजायर जो है अपने पेरेंट्स से एक्सप्रेस की कि पेरेंट्स आई वांट दैट वाइज, कि मैं वो खिलौना चाहता हूं। आई वांट दैट वाइज ही प्लेड इन वेरी हम्बल वे, ही रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड प्रार्थना करते हुए उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो उस टॉयज को खरीदना चाहता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड इन हिज फैमिलियर टायर्ड वे। ही ऑलरेडी न्यू द बिहेवियर और द टेंपर ऑफ हिज फादर। वो अपने फादर का स्वभाव पहले से, उनके नेचर को पहले से जानता था। ही वाज इन एंग्री मूड, वो एंग्री मूड में थे, यानी वो नाराज थे और इस चीज को, और नाराजगी से उनका चेहरा जो था गुलाल का, रेड आई, यानी उनकी आंखों में गुस्सा था। इन हिज फैमिलियर टैलेंट्स में, यानी वो अपने फादर के टैलेंट को, उस स्वभाव को पहले से जानता था कि उसके फादर जो है वो बहुत ही तेज है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो माँ थी वो बड़ी कोमल हृदय वाली थी और उसका हृदय हो जाता था बच्चे की डिजायर को लेकर के। बट शी वाज आल्सो हेल्पलेस, लेकिन और शी वाज अनेबल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द चाइल्ड, third character.